फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी। बच्चों, आज मैं आपको मेजरमेंट चैप्टर ही करवा रही हूँ, लेकिन टॉपिक आज हमारा है कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर एंड उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मेजरमेंट का जो चैप्टर स्टार्टिंग है और उसकी डेफिनेशंस हैं और उसके नेक्स्ट मीटर कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और मिल जाएगा। तो आज की वीडियो जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो लुक एट द बोर्ड। ओके, देखिए मैंने कहा था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज किलोमीटर, यानी डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट को हम किलोमीटर कहते हैं, यानी किसी भी जगह की हम दूरी को जो मापते हैं वो जो यूनिट होती है वो किलोमीटर होती है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इसके कन्वर्ट करना, यानी किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी टेबल मैंने आपको समझाई थी, यानी मीटर, किलोमीटर, लीटर, किलोग्राम में कितने जो है यूनिट्स, जो इनकी स्मॉल यूनिट्स होती है वो क्या होती है। तो देखिए, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अब हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम सेम मीटर को जैसे सेंटीमीटर में चेंज किया था वही करेंगे सेम। ठीक है, और जैसे वहां पे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 1000 से करेंगे। ओके, देखिए इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है सो 14 किलोमीटर में कितने होंगे वो पता करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14000 एंड 40, अगर आप ऐसे कर ले 14 एंड कितनी जीरो है इसमें 3, एंड जो है इसकी किलोमीटर मीटर में हमें चेंज करना था तो यूनिट जरूर लगाएंगे, ये इसका आंसर है। सेकंड मैंने 3 डिजिट वाला लिया है, तो देखिए सॉल्यूशन सेम, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो अगर हमें ये पता है तो 149 निकालना भी हमारे लिए बहुत ईजी है, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 149,000 मीटर। ओके, यानी 149,000 मीटर होते हैं हमारे 149 किलोमीटर में। ठीक है, अगर कोई जगह आपके घर से 149 किलोमीटर की दूरी पे है ना, अगर आप उसे मीटर में बताना चाहेंगे, ठीक है, तो मीटर में आप बताएंगे 149,000 मीटर दूर है वो जगह हमारे घर से, समझ गए, इसको चेंज करना बोलते हैं, कन्वर्ट करना। अब मैंने किलोमीटर भी दिया है और पीछे से जो मैंने बताया था ना, जब ये यूनिट के बाद एक डिजिट स्मॉल वाली दी होती है यूनिट, तो उसको कैसे करते हैं, तो आपको पता है अगर हम पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, फिर जब हमारे पास दोनों सेम मीटर वाले आ जाएंगे उनको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है बच्चों, अब 96 मल्टीप्लाई 1000, अभी हम यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया तो जैसे ही मैंने आपको समझाया है ये आया हमारे पास, ये मीटर में आ गया। अब यहीं पर आंसर खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ गिवन है। देखिए अब हमारे पास ये भी मीटर है एंड ये भी मीटर, पीछे जो यूनिट होती है उसको हम ऐड करते हैं, यानी 9600 मीटर प्लस 450 मीटर। आपको ऐसे ऐड करना नहीं आता है तो आप रफ कर सकते हैं, ठीक है, रफ वर्क मैं आपको करके बता रही हूँ। 96,000 फिर 1 10 100 प्लेस ऐड करेंगे, 05469 ये आंसर आया, 96450 मीटर आंसर है हमारा। आई होप आपको ये कन्वर्ट करना आया होगा, अब इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अब आपको समझा रही हूँ मैं। तो बेटे जैसे कि मैंने मनी चैप्टर में आपको बताया है, मीटर सेंटीमीटर में बताया, ये भी बहुत इजी है, हम किलोमीटर एंड मीटर ये लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन लिख के। ठीक है, अब देखिए स्मॉल यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर यूज करते हैं, अब देखिए यहाँ है किलोमीटर 46 एंड 200 मीटर एंड फिर प्लस 90 किलोमीटर एंड 150 मीटर, अब इसको ऐड करना है हमको, 0536 9+4 13, ये आया किलोमीटर एंड ये मीटर, ये जरूर लगाएंगे हम, आंसर में भी ये लिख सकते हैं। देखिए सेम ये वैसे ही होते हैं जैसे आपको एड और सब्ट्रैक्ट समझाए गए हैं। ठीक है,
कैरी अगर यहाँ पे बोरो या कैरी होता है तो वो यहाँ आ जाता है, कैरी करोगे तो इस पे आ जाएगा और बोरो लेंगे तो इससे लेंगे, सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मैं 3 डिजिट का या 4 डिजिट का, 2 डिजिट का, अगर आपको 2 डिजिट के आते हैं तो 3 और 4 भी सॉल्व करना बहुत ईजी होता है बच्चों, ठीक है। अब सॉल्यूशन, यहाँ भी हम किलोमीटर लिखेंगे, यहाँ मीटर लिखेंगे 962 एंड यहाँ पर मीटर है 48 और यहाँ पे 531 किलोमीटर एंड 30। अब माइनस करेंगे 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 5 4, यानी ये किलोमीटर में आया आंसर और ये मीटर में आया। हम आंसर यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हो आप, ये देखिए कितना इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, कन्वर्ट करना भी इजी है और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी। कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, यानी किलोग्राम एंड ग्राम, और उसके बाद हम लीटर मिलीलीटर के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आई होप जो है आपको आज का वीडियो समझ आएगा। ओके, टेक केयर।